गाइज वेलकम बैक टू माई व्लॉग चैनल। एक व्लॉग अभी हमने घर में एंड कराया, दूसरा स्टार्ट कर दिया। ये बोतलें सारी की सारी फेंक के आ रहे हैं प्लास्टिक की, और देखते हैं कितने पैसे मिलेंगे। भैया हटो, थोड़ी सी गली खाली करो, जाना है हमारे को बिजनेस करने जा रहे हैं बोतलें बेचने। चल भाई चल, अपना बिजनेस बहुत बढ़िया है, अभी देखते हैं कितने पैसे मिलेंगे इससे। भैया ये लो बोतलें, इनको तोलो और फिर बताओ कितने हजार रुपए मिलेंगे। देखो मेरे को मेरी प्रॉपर्टी के मतलब इस चीज के मेरे को मेरी डिमांड है 1000 रुपए, बाकी आप बता देना जितना भी हो दे देना। लाओ भैया लाओ, मेरी अमानत लाओ, थैंक यू सो मच। तो गाइज फाइनली हमने अपनी मेहनत की कमाई 5 रुपए। कैसे लग रहा है आपको 5 रुपए कमा के? अच्छा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बुरा लग रहा है। गाइस हमारी मेहनत की कमाई है भाई, हमने चुन चुन के बोतलें इकट्ठी करी थी अपने घर से, 5 रुपए हमने कमाए। देखो भाई, दो के दो सिक्के और एक का एक सिक्का। तो भाई आप इस 5 रुपए से क्या करेंगे अपनी जिंदगी में? क्या सोचा है आपने, मतलब आपकी जिंदगी के प्लान क्या है इन 5 रुपए से? पूरी जिंदगी चलाऊंगा, पूरी तिजोरी में रख दो जाके। चलो ठीक है। तो गाइस ये अपने 5 रुपए, 5 रुपए इनके थोड़ी ना, वो 5 रुपए तो मेरे हुए, चलो 2.5 रुपए बांट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। गोला भी नहीं आएगा इतने में, बर्फ का जो गोला होता है ना खाने का। नहीं, 5 मैं दे दूंगा फिर खा लेंगे। चल कोई दिक्कत नहीं गाइस, 10 रुपए पड़े हैं, चलो 10, 5, 15, चल 5 में और 20 रुपए। गाइस 20 रुपए का बर्फ का गोला खाएंगे। बड़ी मेहनत करके गाइस मैंने अपने घर की बोतलें बेची हैं, तो मैं आप लोगों को भी ये कहूंगा, जो बच्चे कमाते नहीं है ना, अपने घर में प्लास्टिक ढूंढो, रबड़ ढूंढो, वेस्ट ढूंढो, उसको बेचो। और एक काम करना, अगर लोहे की अलमारी तो भैया के पास ले आना, बहुत महंगी बिकेगी, मजा आएगा। भाई नहीं यार, कह रहा लोहे की अलमारी, टीवी भी कह रहा भाई, टीवी हो जाएगी। अबे तो कमाई के लिए अपने घर की चीजें बेच दोगे वो तो? और क्या भाई, पैसे तो आ रहे हैं ना बस, बहुत है। अबे तो पैसे लगा के खरीदी भी तो है वो, कह रहे पैसे आ रहे तो अलमारी बेच दो, टीवी बेच दो। नहीं भाई नहीं, जो वेस्ट हो वो बेचो और उससे बेच के पैसे। करोड़पति बनने की टिप है गाइस मैं दे रहा हूँ। देखो 10 सालों के अंदर आपके घर में नाना करते करते भी 5-7 हजार का कचरा कूड़ा वूड़ा तो हो गई है ना, बोतले प्लास्टिक, तो नाना करते करते आप 2-4 हजार रुपए तो आराम से कमा लोगे। गाइस मम्मी से एक चीज पूछते हैं, मम्मी तुम्हारे को कैसा लग रहा है मैंने आज पैसे कमा लिए तुम्हारे घर का वेस्ट सामान बेच के? देखो हमेशा तुम मेरे को कहती थी कि तू कुछ किसी लायक नहीं है, तू नालायक है, तू कुछ कमा नहीं होगा, घर का सामान बेच बेच के लायक बनना। मैंने देखो कमाए तो है ना भाई, देखो मैं मेरे को हमेशा कहती थी बहुत बेवकूफ बच्चा है, नालायक बच्चा है, कोई कमा नहीं सकता जिंदगी में, दबा नहीं सकता। मैंने भाई आज देखो कमा लिए बहुत सारे, कितने कमाए मैंने सोचो मम्मी। और टूटी फूटी जो प्लास्टिक पड़ी थी यूट्यूब से, भाई यूट्यूब से इनकम आनी हुई, तो मैंने कहा चलो प्लास्टिक ही बेच देते, सोचो मैंने कितने कमाए। एक आध रुपया पागल हो गए हो क्या भाई, 1-2 रुपए की वैल्यू है हमारी। मैं जाता हूँ तो 1 रुपए से 5 रुपए तो 5 रुपए तो ऐसे ही हो जाता है मेरे नाम से ही। चलो मैं आज तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, ये लो मेरा हाथ से ले लो गिफ्ट, निकालो ये देखो गाइस, पैसों के मामले में तुम्हारी मम्मी बहुत ही तेज है भाई है। हाँ। ये देखो मेरे हाथ से छीन रही है, देखो करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया भाई मैंने आज तो। यस गाइस देखो, मेरी इनकम से इन्होंने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए हैं, सपनों में। ठीक है ये लो पैसे लो। अरे दे तो सही माँ, अभी भी कह रही है दे तो सही, मतलब तुम देखो तो सही कौन सा धन कमा के लाया है। अभी देखो गाइस, अब पैसे देता हूं और भी ले जा मेरे से, अब तू इधर तो आओ। ये देखो मैं इतने लाया हूं कुछ कमा के, आज तुम्हारे लिए लाया हूं। देखो एक बच्चे ने एक माँ को दिए पैसे, मेरे घर का माल ये देखो, ये नहीं ओए इतना कमाया हूं मैं, ये देख दो और है, तीन सिक्के कमाए मैंने, मेरे से ले जा, खुश हो जाओ, गोला खा लेना आशीर्वाद, खूब अच्छे से हमारे को पैसा वैसा देती रहो, रुपया देती रहो हमारे को, ठीक है, हम एकदम जिंदा रहेंगे, एकदम जिंदा तो है ही, मतलब बढ़िया एकदम मौज काटेंगे जिंदगी के अंदर। पांच रुपए भी तेरी मौज में क्या कमी आ रही है? 5 रुपए बच्चे के देखो गाइस, मेरे को 5 रुपए वापस नहीं दिए जा रहे, चुपचाप तुम मेरे को इतनी दिला रहे हो जितनी मैंने तुम्हें दिला रखी है तो मान जाऊंगी मैं। हमारे पास पैसे ही नहीं है गाइस, हम यूट्यूबर होके भी गरीब हैं, देख रहे हो घर की कबाड़ कूड़े बेच बेच के पैसा कमा रहे हैं, तो मैं तो मम्मी क्या बन चुका है भिखारी, भिखारी में बनने में भी थोड़ी सी देरी है, यूट्यूब चैनल नहीं चला तो फिर ये ले। क्या क्या करूंगा 5 रुपए का, एक काम करो मेरे से 5 रुपए ले लो, 10 रुपए दे दो, हजारों का तो तुम नोट हर बार खा जाते हो, हजार का तो नोट तो चलता ही नहीं, और तुम ब्लैक कर रही हो पैसे, सच बता दो भाई, क्योंकि 1000 का तो नोट चलता ही नहीं, 500 और 2000 के नोट चलते, 1000 के नोट कहाँ से आ रहे हैं? चलो ठीक है, तो गाइस कोई नहीं, 5 रुपए मम्मी मेरी जिंदगी की पहली कमाई मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैंने ऐसा सोचा था मैं तो मेरी जिंदगी में कभी कुछ कमाऊंगा अपनी माँ को पैसा दूंगा, ये कमाई है भैया तुम भी दे दो जिंदगी की। गाइस इस वीडियो का टाइटल डालूंगा जिंदगी की पहली कमाई माँ को दी, फोटो भी ले लिया। ओके गाइस चलो अब ऊपर चलते हैं, बॉबी के साथ थोड़ा टाइम पास करते हैं और सफाई करते हैं, ऊपर का जो छत पे जो कमरा है ना वो हमें साफ करना है, उसके अंदर उसके बाद उसको साफ करने के बाद घर में हमारा जितना भी फालतू का सामान है ना, जैसे हमारी मम्मी तुम्हारा उस कमरे में रख दूं, यही काम करना
मेरे को लगा था कोई गाली वाली देंगी, मतलब कुछ फालतू मेरे को बोलेंगी, थप्पड़ थप्पड़ मारेंगी, लेकिन नहीं कुछ भी नहीं कहा इन्होंने तो। चलो कोई नहीं गाइस, इनसे मजाक करने का ना मेरा मन नहीं करता, क्योंकि मेरे को तीखे रिप्लाई नहीं करती। पहले मैं इनसे मजाक करता था, मेरे को खाने को पड़ जाती थी, अब मेरे को खाने को नहीं पड़ती। मजा नहीं, कह रही है कमर का दर्द ठीक हो जाने, फिर बताती हूँ तेरे को। चलो कोई नहीं गाइस, वेट रहेगा कमर का दर्द ठीक होने का। छत पे चलते हैं, वहां पे कमरा है, उसको पूरा साफ करना है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ उस कमरे में क्या क्या रखना है, ठीक है। फाइनली गाइस, गोले वाले भैया आ चुके हैं। भैया दो गोले बना देना। मम्मी 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 गोला खाओगी, जल्दी बताओ गोला खाओगी, बर्फ का गोला नहीं खाओगी। चलो ठीक है गाइस, हम खाने के लिए जा रहे हैं। भैया आ चुके हैं बाहर, मैं तो इनसे पूछने के लिए आया था इनको नहीं खाना, बट कोई नहीं, हमें तो खाना है। बढ़िया वाला बनवाइयो बॉबी। गाइस गोला ले लिया है, अब इसको खा के इसका टेस्ट देखते हैं। बॉबी कैमरा पकड़ो, इस तरफ से पकड़ो पकड़ो, उस तरफ से पकड़ना है। हाँ चलो, 20 रुपए का है, 20 रुपए का। मजा आ गया गाइस। हमारी मम्मी को एक चुस्की लगवाते हैं इसकी। ये लो भाई मम्मी, चुस्की लो इसकी, थोड़ा सा टेस्ट तो कर लो कैसा है। पहले झूठा करके लाए, झूठा यार आप अपने में झूठा बूटा क्या है, ऐसा झूठा कुछ नहीं है। तो ऊपर से ले लो, मैंने थोड़ा नीचे से मुंह लगाया, तो ऊपर से पी लो, टेस्ट तो करो भाई। डैडी ने पैसे लगाए हैं, डैडी ने 40 रुपए दिए हैं बॉबी और मेरे को, दोनों को पिलाया भाई ये। चलो भाई चलो पियो, टेस्ट करो, टेस्ट जल्दी जल्दी जल्दी। कैसे खाऊंगी मैं? खाओ ना इसे, खाओ जैसे मर्जी खाओ भाई, है जल्दी खाओ। अच्छा लगे ना लगे, लेकिन बोल दो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा व्लॉग चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा है। चलो अब मैं खा लूं, पहली बार खाया मैंने, पहली बार खाया इस गर्मियों में, इस गर्मियों में, और अपने व्लॉग चैनल पे भी पहली बार खाया है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती जाएंगी गाइस, डेली खाता जाऊंगा, कसम से कह रहा हूँ। ओए एक नंबर स्वाद। जब मैं पहले पार्क जाता था ना, जब कॉलोनी में रहते थे 3-4 साल पहले, तो ये 5 से 10 रुपए का मिलता था, अब थोड़ा सा महंगा हो गया। मैं इसे खा लेता हूँ वरना ये सारा पिघल जाएगा। तो गाइस मैक्स यहाँ पे ऊपर बैठा हुआ है, अब मैं आप लोगों को कमरा दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये देखो, ये हमारा कुछ छोटा सा कमरा है, इसको पूरा साफ करना है हमारे को। साफ करने के लिए हमारे पास एक झाड़ू और बाकी है हमारे पास हाथ। यस, वो पहचान गया तूने, मैं बोलने वाला था। ए गाइस, 4 हाथ, 1 झाड़ू और 2 दिमाग। 2 दिमाग भी तो है, 4 आगे भी है, फिर 2 नाक भी है, 2 होंठ भी है, 4 कान भी है, 2,03,000 बाल भी है। हाँ तो सब गिल्ले, पूरी बॉडी पार्ट गिल्ले। मिट्टी चली गई भाई। चलो चलो गाइस, सफाई स्टार्ट करते हैं। घर का नीचे का जितना भी सारा वेस्ट सामान है ना, वो सारा लाके इसमें भर देंगे, ठीक है। और उसको भरने के लिए सबसे पहले करो, कूड़ा है ना जो भी भर दो। नहीं कूड़ा अलग चीज है भाई, वेस्ट तो वेस्ट तो भाई हुआ ना। अबे वेस्ट एक मतलब वो वाला वेस्ट है, समझ नहीं रहा। चलो छोड़ो कोई नहीं गाइस, सफाई करते हैं सारी की सारी। अब एक आधे घंटे में बारिश भी आ सकती है, फटाफट काम करना पड़ेगा। तो गाइस कमरे के अंदर घुसने के लिए मैं जा रहा हूँ, हल्ला हो जाए एक बार। ओ ठीक है, ज्यादा मत करिए, लोग सुन लेंगे। चलो भाई चलो, सबसे पहले हम जितना भी वेस्ट सामान है ना, वो सारा निकाल के बाहर रखेंगे। मेरी स्ट्रेटेजी है भाई, ये कमरा हमारा देख सकते हो आप लोग, ठीक है, ये वाला कमरा, इसमें सारा वेस्ट सामान निकाल के बाहर रख देंगे, और फिर जो घर का मतलब बिना यूज होने वाला सामान है ना, वो अंदर रख देंगे। चलो भाई चलो, ये सारा का सारा पहले सामान बाहर रखते हैं, फिर करेंगे सफाई। यहाँ रखते हैं, यहाँ तो भाई ये बहुत भारी है, ये बहुत भारी है भाई, ये उठाइयो जरा एक बारी, ये उठाइयो उठाइयो वो भी उठाइयो। अबे उठाना है, ज्यादा ही एक्टिंग कर रहा है ये तो, लेकिन भारी नहीं है वैसे, है ना, भारी है ना। अबे शॉर्ट गन थोड़ी ना। ये तो गाइस, ये तो उसकी तरह खेल रहे, वो गेमों के अंदर वो गन ले लेके नहीं खेलते, वैसे खेल रहा है। चलो भाई चलो, ये लो मेज उठाओ, मेज ये लो भाई। अरे भैया बड़ा भारी भारी सामान रखा हुआ मम्मी ने हमारी यहाँ पे, वैसे यहाँ पे भी सारा सामान हमारे घर का ही रखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सेटल करके मैं रखूंगा। तो गाइस मैंने बॉबी के लिए खजाना ढूंढ लिया, वो खजाना ये देखो भाई। बॉबी तू अपने घर में टीवी लगा सकता है, मैंने तेरे लिए टीवी की तार निकाल दी है भाई, कल से तू टीवी देखेगा बढ़िया लगा। वो तो मेरे पास भी डली हुई है, रखी हुई है तेरे घर में। हाँ। फिर व्लॉग काट देना, बार बार बेइज्जती हो रही है। तो गाइस टार्जन भैया ने इतनी सफाई कर दी है, ये देखो। और भैया कैसा लग रहा है सफाई करके? बहुत अच्छा लग रहा है, बिना पैसे लिए सफाई कर रहा हूँ भाई, मेहनत कर रहा हूँ जिंदगी। कोई नहीं, खाना मिल रहा है ना घर वालों से भाई, बहुत है। गाइस ये सारे डायलॉग मेरे सिखाए हुए हैं, मेरे ही डायलॉग, मैं जो दूसरों के ऊपर डायलॉग मारता हूँ ना, वो ये सुन लेता है, और फिर ये वही वीडियो में बोल के भाई ऐसा सोचता है, यस मैंने तो भैया की बेइज्जती कर दी, मजाक कर दिया। पर मजाक नहीं हुआ, मेरे ही है वो। कुछ अपना डायलॉग बनाओ अच्छा खासा, फिर मजा आएगा। भैया क्या कर रहे हो? भाई मैं ना ये ढाबे में बैठ के समोसे खा रहा हूँ, खाओगे आप साथ में? हाँ खिलाओ, आओ आओ खाओ, समोसा खाओ, ये लो खाओ, अब खाओ, अब खाना। तो चटनी की ट्रे है। हाँ तो चटनी चटनी खाओ ना गाइस, इसको बहुत हो रहा है, बहुत देर से मजाक कर रहा है। हाँ भाई खाओ, समोसा खाओ, खाओ वो ना डाइटिंग पे डॉक्टर ने मना करा है कि समोसा नहीं खाना, उसके अंदर का खाना है। अच्छा समोसे के अंदर का खाना है? अच्छा बाहर का नहीं खाना। अच्छा अंदर का खाना है ना। हाँ। चल ठीक है, मैं तेरे को अंदर का खिलाता हूँ, रुक जा रुक जा। ये ले भाई, ये ले
ये ले भाई अंदर का, कहाँ गया, भाग गया भाग गया भाई, देख रहे हो बहुत देर से मेरे से पंगे ले रहा है यार, खुजली हो रही है नाक पे बड़ी, पता नहीं क्यों। आजा आजा बाहर, चुप मत, आजा आजा, समोसे के अंदर का खिलाऊंगा, डाइटिंग डाइटिंग वाला फूड भी है मेरे पे। लाओ लाओ, हाँ देता हूँ ना, मैं तो दे ही रहा था तेरे को, ये ले ले भाई ले, ये दे। अनजान बनने की एक्टिंग कर रहा है। वैसे कितना लेते हो दिहाड़ी? जान निकल गई भाई, पता है क्या है? ये इतना भारी नहीं है लेकिन इसको उठा के ना सीढ़ियां दिख नहीं रही, ये चक्कर है। चलो भाई आजा, वैसे भी ये दिहाड़ी कितने लेते हो? दिहाड़ी मात्र 120 रुपए टीवी नीचे से ऊपर पहुंचाने की, अगर टीवी को सेट भी करना है तो 150 रुपए पूरे। और तूने उठा लिया टीवी? आजा आजा अंदर आजा, अंदर आजा, रुक जा रुक जा, मैं साइड हो जाता हूँ, आजा आजा आजा, जा 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 अंदर रख दे। ओ सुन, ये टीवी वाली साइड उधर रखी हो, हाँ हाँ हाँ, जा 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 अंदर जा भाई। ओ ये तो गाइस मेरे को इससे उम्मीद नहीं थी ये उठा लेगा, इसने उठा लिया भाई, बढ़िया, फुल पावर भाई फुल पावर। इसको घुमा दे, स्क्रीन उस तरफ कर दे, हाँ उस तरफ, स्क्रीन उस तरफ कर दे, इतनी मेहनत कर दी थोड़ी सी और कर दे, चल चल चल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे, जान दिखा जान जान जान, बहुत बढ़िया। अब बाहर आ जा और इसको टीवी को थोड़ा सा उस तरफ कर दे उठा के, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वाह भाई वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गाइस उम्मीद नहीं थी लेकिन बॉबी ने हमारी काम में ना बहुत हेल्प करी है। भैया मैं आपको एक चीज दिखाऊं? दिखाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, रुक जाओ, तो हो गया थोड़ा सा पीछे हो गया। गाइस देखना, कोई क्या, ये क्या कर रहा है तू भाई, भाई आराम से, अबे बॉबी क्या कर, गिर जा वो, गिर जाएगा पागल, आराम भाई, ओए भाई अबे कहाँ जा रहा है भाई, मेरे को लगा पता नहीं क्या दिखा रहा है क्या दिखा रहा है क्या दिखा रहा है यार, वीडियो बनाना थोड़ा सा पीछे होना भाई, कसम से फट गई थी मेरी 2 मिनट के लिए जब लटका ना, अभी ऊपर आंदोलन से बात करता हूँ भाई, बहुत गलत है गाइस ये, बहुत गलत, कोई भी बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा हो ना भाई, मत करना मत करना, बहुत गलत है, अगर गिर गए ना तो कसम से कह रहा हूँ हड्डियाँ टूटेंगी भाई। यार तू ये क्या क्या कर रहा है तू ये भाई, है भाई पहले वीडियो में बोल भाई, कोई ये चीज़ ना करे भाई अपने घर में, जिसमें दम हो वो करे, जिसमें नहीं है दम वो मत करो। नहीं भाई नहीं, ये गाइस ये बच्चों वाला दिमाग है, जिसमें दम हो वो करे, नहीं भाई नहीं, क्यों दम भाई, दम दम के चक्कर में गिर जाए नीचे, एक बार बता तेरे को, चल तेरे को, चल आता है, प्रैक्टिस भी है तेरे को, चल मैंने मान लिया तेरे को आता है, किसी को ना आता हो और वो दम दम के चक्कर में करके गिर जाए, फिर 5 साल के बच्चे ये ना करे, 20-20 साल के कर ले, कोई नहीं भाई नहीं, कोई भी मत करो भाई, मैं कसम से मैं देख के हैरान हो गया, इसने कहा क्या वीडियो बनाना, मैंने कहा भाई ओ भाई ओ भाई, फिर ये करता गया तो मेरे को वो थोड़ा भरोसा हो गया, मैंने कहा हाँ चल कर रहा है तो दम पे ही कर रहा होगा, बट नहीं भाई नहीं, ऐसे मत करना, बहुत बहुत गलत चीज़ है ये, ठीक है। अभी हमारा सारा काम खत्म हो चुका है, टीवी भी रख दिया, सब कुछ हो गया, अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ याद रखना ऐसा कोई स्टैंड नहीं करना, कुछ नहीं करना, मैं मौज काटो भाई ज़िंदगी में, ये सब चीज़ों का कोई मज़ा नहीं है, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, मिलते हैं परसों एक नई वीडियो के साथ।